माया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। कल करवा चौथ है ना, नया दुपट्टा लाई हूँ तेरे लिए। थैंक्स मम्मी जी, ये लाल आजकल बहुत फैशन में है। नहीं नहीं ये फैशन वाला लाल नहीं है, ये खून वाला लाल है। जी जंग छिड़ी है मेरी मिसेस पपनेजा के साथ, डिंगे मारती फिरती है। कैसे सास और बहू मिलके ना करवा चौथ का व्रत रखती है। कल तुझे इस दुपट्टे में देखेगी ना, तब कल मुही को पता चलेगा आदर्श संस्कारी बहू क्या होती है। माया और आदर्श बहू बोलू माया कैसे भी हो, लेकिन मिसेस पपनेजा से मैं हार नहीं मान सकती ना। देखना कल माया का ऐसा रूप दिखाऊंगी ना कि वो मोहल्ला छोड़ के भाग जाएगी। सुमित जरा इधर आना ना, वो ये मैं अंदर रख के आती हूँ। हाँ हाँ। मुझे बचाओ, मम्मी जी फिर से अपनी किटी पार्टी पॉलिटिक्स में मुझे प्यादा बना रही है। अरे तुम लेडीज का यही शौक तो होता है किचन पॉलिटिक्स, अब मजे लूटो। मुझे नहीं लूटने ऐसे मजे, इससे अच्छा तो मैं व्रत रखूं ही नहीं। अरे ऐसे कैसे, मर्दों की लॉन्ग लाइफ के लिए व्रत रखना तुम लेडीज की ड्यूटी होता है। मम्मी जी माया कह रही है कि मिसेस पपनेजा को दूध चढ़ाने को। मैं कह रही हूं कितना अच्छा लगता है ना जब पूरी फैमिली मिलके ना एक साथ कुछ करते हैं। सही कहा आपने मम्मी जी, सब लोग मिलके कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। इसलिए इस साल सुमित भी हमारे साथ व्रत रख रहा है ना सुमित। माया अगर तेरा खाना ना खाने के लिए सुमित व्रत रखता है ना तो बात अलग है। लेकिन ना करवा चौथ का व्रत मर्द नहीं रखते। लेकिन मम्मी जी रखना चाहिए, सोचे ना पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए इतना कुछ करती है, मर्दों को भी कुछ तो करना चाहिए ना। हाँ, शायद तो सही कह रही है। मम्मी जी आप साल भर पापा जी के लिए दही कचौड़ियाँ बनाती हैं, उनकी चड्डियाँ साफ करती हैं, उनके नखरे सहती हैं। सिर्फ नखरे नहीं, उनकी बदबू वाली गैस भी सहती हूँ। इस सब के बदले पापा जी एक दिन आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मम्मी जी ध्यान से माया जाल में मत फंसिए। और मम्मी जी अगर घर के सारे मर्दों ने व्रत रखा तो मिसेस पपनेजा की हवा टाइट हो जाएगी। मम्मी जी बस बस तय हो गया, कल तू माया के लिए व्रत रखेगा। जबान ना लड़ा वरना कल से मेरे घर में तेरा हुक्का पानी बंद। माया जी देखना मैं क्रांति लाऊंगी, दोनों के साथ ना तेरे पापा जी भी मेरे लिए व्रत रखेंगे और पूरी दिल्ली देखेगी। पापा जी और व्रत जैसे सांप और नेवले की जोड़ी। हंसना बंद कर। पाया कितना अच्छा आइडिया दिया तूने। आपके लिए कुछ भी मम्मी जी कुछ भी। कैसी लगी मेरी किचन पॉलिटिक्स पतिदेव? हाय हाय डॉली, क्या खुशबू है, जी चाह रहा है हवाई खा जाऊं नमक मिर्च मिला के। आज मैंने जहां पना चिकन जो बनाया। जहां पना चिकन? पता है इसमें ना आज मैंने काजू किशमिश बादाम सब कूट कूट के भरा है। कूट कूट के? सब आपकी सेवा में समर्पित पति परमेश्वर। अबे कहीं इसमें चूहे मारने वाली दवाई तो नहीं मिलाई ना? मैं अपने सबसे प्यारे इकलौते पति के साथ ऐसा थोड़ी ना करूंगी। मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। अबे सोनू ये तेरी माँ आज सुबह सर के बल गिर तो नहीं गई थी? आप कितना हंसाते हैं। हंस के मेरा पेट फट गया। मम्मी जी मेरा भी पेट फट गया भूख के मारे। अच्छा आप कुकड़ वेस्ट नहीं करते, हल्ला बोल। एक मिनट मैं ना कुछ बात करना चाहती हूँ स्वामी। अच्छा बक। जैसे लोग मंदिर में जाके भगवान को पूछते हैं वैसे मैंने हमेशा आपके पेट को भगवान मान के उसकी पूजा की है कि नहीं? तो मैं क्या सोच रही थी कि अगर मैं हर साल
आपकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, तो इस साल आप मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखते? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? क्या बोली? अबे सोनू, तेरी माँ है ना, बावली हो गई है। अगर मोनू माया के लिए व्रत रख सकता है तो आप मेरे लिए क्यों नहीं रख सकते? अबे डॉली, ये मोनू है ना, शक्कर और अकल दोनों से आधा जनानी है। मैं नहीं हूँ ब्लडी फूल। अच्छा, मतलब मेरे लिए कुछ अच्छा करना ब्लडी फूल बन जाना है। डॉली, जल्दी से मेरे को कुकर दे दे, नहीं तो भूख के मारे जानवर बन जाऊंगा मैं। कुकर चाहिए? नहीं मिलेगा। क्या, तूने मेरी आंखों के सामने से कुकर छीना? डॉली, नोबडी गॉड बाबूजी के गुर्दे में दम टू टेक द फूड फ्रॉम द जसबीर वालिया। अच्छा, कल मैंने भी ना आपसे मेरे लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखवाया ना, तो मेरा नाम भी डॉली वालिया नहीं है। बर्बादी मचा दूंगा, लेकिन व्रत नहीं रखूंगा। सोनो, तुझे अपनी माँ की दूध की कसम, अगर इसमें से एक भी निवाला उनके खाने दिया तो। मैं कैसे मम्मी जी? हराम खोर, अगर अपने बाप की चौकीदारी की ना तो वसीयत से बेदखल कर दूंगा। ओ, इसका मतलब मैं वसीयत में हूँ? मेरा कुकर दे। नहीं देती। दे मेरा कुकर। पापा जी, अरे मुझसे करवा चौथ का व्रत क्यों रखवा रहे हो? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। माया, वो माया, माया नाश्ता नहीं मिलेगा। तुम अपनी प्यारी सी सूरत मुझसे छुपाए मुझ पर जुल्म क्यों ढा रही हो? क्योंकि आज करवा चौथ है और आज ना मैं कुछ खाऊंगी ना तुम। तुम सीरियस थी? सुमित, तुम नहीं चाहते कि मैं लंबी उम्र जीऊं? आज हम दोनों एक साथ व्रत रखेंगे तुम्हारी लंबी उम्र के लिए, पक्का। आई लव यू सुमित। आई लव यू टू। और सुमित, पापा जी और तेरी तो शामत है आज। हैप्पी करवा चौथ। पापा जी की भी शामत है? हाँ, मम्मी जी पापा जी से जबरदस्ती व्रत रखवा रही, घर का सारा खाना छुपा दिया है और पापा जी को नीचे बंद कर दिया है ताकि पापा जी कहीं बाहर जाके खाना ना खा पाए। पापा जी नीचे कैद है, हाउस अरेस्ट। अच्छा है ना, नहीं तो बिन बात पे मुझे पापा जी की चौकीदारी करनी पड़ती। पापा जी आजाद हो गए क्या? अबे हराम खोरो, मैं एकदम खार उधेड़ दूंगा तुम्हारी। अबे सोनू, जसबीर दी वालिया दी ग्रेट को खाने से कोई नहीं रोक सकता। ये दे दे ना, यही दे दे, यही दे दे। अबे इसके अंदर का कीला कहाँ चला गया? देखो मेरे को खाना दे दो, नहीं तो ये भूखा शेर है ना, अपनी औलाद को ही खा जाएगा चीर फाड़ के। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। नहीं नहीं नहीं, पापा जी, पापा फ्रिज का दरवाजा नहीं खोलने दूंगा। पापा जी, छोड़ छोड़, मोनू के बच्चे, मदद कर। मैं तो मम्मी जी को जाके कह दूंगा कि तूने पापा जी को खाना खाने दिया। अबे यार, चक्कर आ रहे हैं। क्या हो गया? पूरा घर सर्कल में घूम रहा है। सर्कल लगता है भूख की वजह से है ना, अब मेरा बीपी लो हो गया। अरे सुन, केला ले आ पापा, एक केला पड़ा हो पापा जी के लिए, केला लेके आना जल्दी। केला चलता है पापा जी, केला आया। आए, ये तो केला ही है। बीपी भी ठीक हो रहा है, बल्कि ठीक हो ही गया है। पापा जी धोखा। अबे ये मत भूलो कि मैं तुम दोनों बंदरों का बाप हूं। चल भाई, केले अकेले अकेले।
पापा जी अबे ये क्या निकल गया तू बाहर निकल पापा पापा जी बैठ जाओ आपका लो बीपी हाई हो जाएगा अरे भोले दे आई हैं नहीं बैठूंगा मैं अपनी माँ से कह दियो मैं जा रहा हूँ पंडारा रोड हैं पूरी रात जो है पार्टी करूंगा मुर्गा पालूंगा कोई रोक सकता है तो रोक ले मेरे को जा रहा हूँ मोनू बहुत सारे केले अपलोड कर लिए पता नहीं कल सुबह डाउनलोड होंगे कि नहीं मिसेस पपनीजा हाँ जी क्या हुआ आपकी बहू नहीं आई थी वो ऑफिस के काम से थोड़ी बिजी है हाँ पर व्रत तो रखा होगा ना जी नहीं वो व्रत नहीं रख पाई हाय व्रत नहीं रखा वो चाहती तो थी पर ऑफिस जाते जाते थक जाती है ना इसलिए पता है हमारे घर के मर्दों ने भी व्रत रखा हमारे साथ अच्छा अपनी अपनी श्रद्धा है ओह मैं अभी आई हाँ वो क्या है ना माया अंदर खाना बना रही है देखिए ना खाना भी बना रही है व्रत भी रखा है ऐसी आदर्श संस्कारी बहू मिली है मुझे आप चाल चलिए ना माया मैं क्या कर रही थी मम्मी जी अच्छा हो आप आ गई प्लीज आप इस दाल को संभालिए क्योंकि इसकी महक सुन के मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ हाँ तुम लोग ना आजकल की लड़कियां जरा भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है अब दाल को घूरती रहेगी जाके मूली लेके आ पता है व्रत में हमारा पेट ना पत्थर बन जाता है पत्थर क्या मैं तो सिर्फ सूंघ रही थी तुझे ही चलाना है चल मम्मी जी आप ज्यादा एक्सपीरियंस है आप करिए ना प्लीज माया तुझे सीखने की जरूरत है चल चल पर मम्मी जी आप एक्सपर्ट हैं ख्याल भी निकाल दे अगर तूने खाने के बारे में सोचा भी ना तो मोनू की जान जाएगी हाँ। जी तो पाजी जय हिंद जय हिंद जय हिंद पाजी दो पराठे मक्खन मार के जल्दी से हाँ जी हाँ जी दो पराठे मक्खन मार के साहब के लिए माया कहाँ कहाँ झूठे माया को वादा करके कि तू उसके लिए व्रत रखेगा तू यहाँ बैठ के ये दावत दबा रहा है यार मेरी गलती नहीं है मैंने ईमानदारी से पूरी कोशिश की 5 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया फिर ध्रुव का बर्थडे था तो सब लोग यहाँ पे आ गए और तूने माया को धोखा दे दिया है ना नहीं पहले समोसे आए तो मैंने अपना मुंह फेर लिया उसके बाद उन्होंने टिक्का ऑर्डर किया तो मैंने आंखें बंद कर ली फिर उसके बाद जब कबाब ने एंट्री ली ना तो मैंने अपने आप को रोकने के लिए अपना कॉलर ही चबा लिया फिर उसके बाद हलवा आया हलवे ने ऐसी महक मारी कि माय गॉड की कसम कोई मुर्दा होता ना तो जिंदा होकर खाना चाहता है तो ये सब हलवा था हलवा खा ही लिया तो मैंने सोचा कि पूरे स्टाइल में व्रत तोड़ू ना तो इसीलिए फिर ये थोड़ा बहुत खाना हेलो जी आपका चिकन टिक्का पार्सल रात के लिए भी तो कुछ चाहिए ना
दही भल्ले, दाल मखनी, मेथी के पराठे, ये हलवे के काजू तो कितने क्यूट लग रहे हैं। और ये मोटा वाला काजू, इसकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है ना। चंदा मामा, चंदा मामा, सुमित मुझे मत देखना, चांद अभी तक नहीं निकला। तुम ठीक तो हो ना? मैंने कुछ खाया नहीं। मैंने भी कुछ नहीं खाया। सुमित, मुझे व्रत नहीं रखा जा रहा, बहुत भूख लग रही है, पता नहीं क्या करूं। अरे इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है, मैंने भी सारा दिन से व्रत रखा हुआ है, अब 10 मिनट में चंदा मामा निकल जाएंगे। सुमित तुम कितने क्यूट हो, कितने स्वीट हो, एक पति होने का फर्ज निभा रहे हो और मैं एक व्रत नहीं निभा पा रही हूँ, कितनी बुरी वाइफ हूँ मैं। चलो चांद निकलने वाला है। पूजा की थाली तैयार है? अरे वाह, छन्नी कहाँ है? मम्मी जी वो छन्नी ना चूहों ने कुतर ली, इसलिए ये रैकेट निकाला है। आजकल की लड़कियां भी ना। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे कुछ कर रहा है, मर रहा है मेरा बच्चा। मैं देखता हूँ मम्मी जी। जी ये सब मेरी गलती है, पता है मम्मी जी आपने कहा था खाने के बारे में सोचो भी मत, लेकिन मैंने काजू को बुरी नजर से देखा और मेरी वजह से सुमित मर रहा है। मैंने अपने पति को मार डाला, मैंने अपने पति को मार डाला। जय बसेक बनी दूर दुश्मन की नली। ओह थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। मुझे तो लगा था कि आज मेरी डेथ ही हो गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं बच गया। ठीक है ना तू? सुमित सॉरी। ये हड्डी, एक दिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तुम। सारे मर्द ना ऐसे ही होते हैं। जानू आई एम रियली सॉरी। सॉरी वॉरी का टाइम नहीं है मम्मी जी, चांद आ गया होगा बाहर। हाँ आ गया होगा, चल जा पूजा कर लेते हैं। और तू फोन कर। कर रहा हूँ मम्मी जी। जल्दी लड्डू खिलाओ जल्दी। वर्ल्ड का यम्मीएस्ट लड्डू है ये। रुको। ओके माया, मैं तुम्हारे लिए ये इयररिंग्स लेकर आया हूँ। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। ओके, आज के तुम्हारी हरकत के लिए मुझे पूरे का पूरा डायमंड का शोरूम चाहिए। मम्मी जी पापा जी तो कहीं पार्टी कर रहे हैं, अरे आप उनकी फोटो देख के व्रत खोल लीजिए ना। मेरा बस चले ना तो मैं उनका फोटो भी ना देखूं, लेकिन आज तो उनका चेहरा मुझे छन्नी से देखना पड़ेगा ना। अरे मम्मी जी आप ना कुछ खा लीजिए, अरे कब तक भूखी रहेंगी ऐसे बेगैरत इंसान के लिए। चलिए आ कीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुंह खोलिए ना। कमीनो हराम खोरो। आ गए। बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। चांद हैज कम आउट इन द बादल, देखो और मेरे को खाना दे दो। पर पापा जी आप तो पंडारा रोड गए थे ना मुर्गा शुर्गा पाड़ने। अबे मैं जा तो रहा था पंडारा रोड, लेकिन रस्ते में है ना तूफान आ गया, बिजली कड़की, मेरे को लगा मेरे ऊपर गिर जाएगी। मैंने देखा कि बिजली ना 5 फीट दूर गिरी है। मैं समझ गया कि द गॉड इज गिविंग द मैसेज टू द जसवीर वालिया कि बच्चू तेरी पत्नी ने आज व्रत ना रखा होता तो ये बिजली तेरे ऊपर गिरती और तू हमेशा के लिए दी एंड हो गया होता। फिर मेरे अंदर के जसवीर वालिया ने कहा कमीने कभी तू भी तो कुछ कर उसके लिए, एक बार तो सुन ले अपनी अंतरात्मा की आवाज गलती से। मैंने कही ठीक है अंतरात्मा, एज यू प्लीज। इसलिए पूरे दिन मैंने व्रत रखा। अब चांद निकल आया, देख के मेरे को खाना दे दो, ऐसा ना हो मैं ना किसी का मर्डर कर दूं। आइए 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 आइए, आ गया। मैं जानती थी आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। लाइन मत मार, जल्दी से चांद देख के खाना दे दे। देखा ऐसा होता है करवा चौथ। हम बुजुर्गों से ना कुछ सबक सीखो,
कि सब्र और त्याग का फल ना हमेशा डॉली जी पतिदेव इतनी डकार में दाल मखनी की खुशबू कैसे आ रही है? मैं अभी आई। मैंने तेरे लिए व्रत रखा, खाना नहीं खाया, भूखा रहा। करवा चौथ। पापा जी, I'm sorry, मैंने आपको गलत समझा। मैं आपको अपने हाथों से केला खिलाऊंगा पापा जी, केला। बम 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 बड़ा बिली बिली बम बेबी बम 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 बे ओ बम 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 बड़ा बम 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 बड़ा बिली बिली बम बेबी बम 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 बे